स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। आप देख रहे हैं शर्मा जी के लड़के यानी आलोक को। जैसा कहा था संडे घुमा के लेके आएंगे, निकल चुके हैं संडे, नहा चुके हैं, शैम्पू कर लिया, बाल अजीब से हो गए हैं कुछ, और कुछ समझ आए तो आप समझ जाइए। जूते लेके चलने में फ़ायदा है, ड्राइव करते हुए चप्पल ही आसान रहती है, आपने देखा है पहले। तो चलते हैं एक नई जगह की ओर। एक घंटे में 70-72 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम पहुँचे हैं गोल्ड कोस्ट, और यहाँ पहुँचे हैं हम सर्फर्स पैराडाइज। ये एक बीच है, बिल्कुल शहर किनारे बसी है। कुछ तो वजह होगी जिसका कारण इसका नाम ये पड़ा है, देखते हैं आगे चल के। सोचा बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं बीच को घूमना, तो बिल्कुल एक छोर पर जा रहे हैं, वहाँ से पूरी बीच नापेंगे। और ये पहुँच गए बीच पे, नज़ारे कुछ इस तरह के, स्काई स्क्रैपर्स लाइन से लगे हुए एक के बाद एक, बढ़िया धूप खिली हुई है, बादल भी सुंदर लग रहे हैं। ड्रोन होता तो मेरे ख्याल से और प्यारी फुटेज आती। और ये फ़ोन डुबा तो दिया है पानी में, अब चार्ज नहीं कर सकते ऐसा। 24 घंटे के लिए डिसेबल हो चुकी है चार्जिंग। ये मैं वॉइस ओवर दे रहा हूँ, माइक ने कुछ रिकॉर्ड नहीं करा था। और नज़ारे कुछ इस तरह के, अद्भुत। अब चलते हैं अपना सामान रखने गाड़ी में। एक काफ़ी काम की टिप देना चाहूँगा, कभी बीचेस पर जाएँ तो प्लीज़ एक पन्नी ज़रूर रखें गीले कपड़े रखने के लिए, नहीं तो मेरी तरह ढोते फिरेंगे। अपन नहा धो के हो गए हैं फ्री, अब जा रहे हैं अगले अट्रैक्शन की ओर, दिखाते हैं आपको और सुंदर नज़ारे। ये रही कुछ दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें, उनमें से ये रहा जहाँ आज हम जा रहे हैं, क्वींसलैंड में सबसे ऊंची बिल्डिंग, 322 मीटर ऊंचाई समुद्र तल से। इसके ऊपर चलते हैं। और ये पहुंच गए 77th फ्लोर पे। शायद पहली बार मैं इतने ऊपर आ रहा हूँ किसी बिल्डिंग में। और यहाँ से कुछ शूट करने की कोशिश करते हैं, अगर कोई अच्छी जगह मिल पाई। और ये सामने समुद्र, इस तरफ ये घर शायद कहीं। You got
और इतने बढ़िया नज़ारे पे अगर सस्ता खाना मिल जाए तो उसका और मज़ा है। एंट्री टिकट के साथ मुझे $20 का वाउचर मिला था, तो मैंने $23 का वेजी लवर पिज्ज़ा उठा लिया। नज़ारे देखिए आगे आप। फास्ट फॉरवर्ड तो दिखा दिया, बट मैं स्लो में भी दिखाना चाहता था। ये खिड़कियों के पास ऐसे टेबल्स लगी हुई हैं, अपना खाना लीजिए। बीच में पूरा किचन सा है, वहाँ से अपना ऑर्डर प्लेस करिए। जब आ जाए आपको बता देते हैं। आगे कलेक्ट कर लीजिए, लाके बैठिए, देखिए, खाइए और नज़ारों का लुत्फ उठाइए। एक अपना फेवरेट शॉट दिखाता हूँ। और नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट्स हर जगह मिल जाते हैं, यही तो खासियत है हम इंडियंस की। अभी तो नहीं, कल सुबह 7 बजे का ऑफिस है, उसके लिए लेट हो रहे हैं। घर की तरफ चलेंगे। और यार शिट, बैटरी बहुत कम है मेरे फ़ोन में। समझदार कुछ ज़्यादा ही उन्होंने पानी में फ़ोन ले लिया, अब चार्ज कर नहीं सकते। बैटरी 7% है, उतने सारे शॉट्स ले लिए। अब घर पहुँचने का GPS कैसा लगेगा? बाकी दोनों फ़ोनों में ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर रहे थे, बट फोन नहीं चल रहे। एक नई सिम खरीदेंगे जिसमें एटलीस्ट ये मिल जाए। अपना सिम निकाल के आईफोन 6 में डालेंगे, फिर घर पहुंचेंगे। फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था, दूसरे फ़ोन में सिम लेकर डाल दी थी, किसी तरह पहुंच गए हैं। कैसा लगा व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, अच्छा लगा हो तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अब तक 47% मेरे व्यूअर्स ने सब्सक्राइब नहीं कराया मेरे चैनल को। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले व्लॉग में। आप देख रहे थे शर्मा जी के लड़के को। ख्याल रखिए। John, here we go, it's my turn.